हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर। हमारा जो सेशन चल रहा है ना टाटा स्टील जेट एग्जामिनेशन को लेकर, तो उसमें आज हमारा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड का क्लास चल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग में, एंड हम करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स की भी क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स के क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का, इन द डिजिटल एज, डिजिटल एज में जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, वॉट आर दी टू इन्वेंशन, दो इन्वेंशन क्या है दैट कैन चेंज प्रोडक्शन एंड पैट द वे टू ऑटोमेशन। डिजिटल एज में हमारा जो टू मेजर इन्वेंशन है वो कौन कौन सा है जो कि हमारे प्रोडक्शन को चेंज कर सकता है, कौन कौन सा है? प्रोग्रामेबल लैंग्वेज कंट्रोलर एंड रोबोट्स, कौन कौन सा है? PLC, PLC होता है ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स और जो रोबोट्स हैं, ये दो मेजर इन्वेंशन है जो कि हमारे प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, एंड द पार्ट टू चेंज द वे ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, दी आईओटी का कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, प्रीवियस सेशन में। तो हमारा देखिए जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सेस टू रियल टाइम डाटा, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो एक्सेस करता है रियल टाइम डाटा, एंड द इंट्रोडक्शन टू साइबर फिजिकल सिस्टम मार्क द बिग चेंज फॉर दिस एरा। कौन से एरा के लिए? इंडस्ट्री 4.0 के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0। द इंटरनेट ऑफ थिंग एक्सेस टू रियल टाइम डाटा एंड द प्रोडक्शन ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम मार्क द बिग चेंजेस फॉर द एरा ऑफ इंडस्ट्री 4.0। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस, जो हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो कौन से सेंचुरी में हुआ था? हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोस्तों, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा हुआ था 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में हमारा क्या हुआ था? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट, हाउ डिड द इकोनॉमिक चेंज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसे चेंज हुआ था, कैसे चेंज हुआ था हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग में, हमारा जो इकोनॉमी है दोस्तों वो कैसे चेंज हुआ था? देखिए वहाँ पे क्या हुआ था कि मोर पीपल स्टॉप फार्मिंग एंड वर्क इन फैक्ट्रीज, उस हमारा एरा में क्या हुआ था, उस सेंचुरी में क्या हुआ था कि बहुत सारे पीपल जो है ना फार्मिंग को स्टॉप कर दिए थे, जो हमारा एग्रीकल्चर है ना उसको स्टॉप करके वो लोग फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उस समय जो हमारा इकोनॉमी था वो चेंज हो गया था। कैसे चेंज हुआ था? मोर पीपल स्टॉप्ड फार्मिंग, बहुत सारे लोग फार्मिंग करना बंद कर दिए थे और एंड दे स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। ठीक है, दिस चेंज ड्यूरिंग दिस डिड द इकोनॉमिक चेंज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसी की वजह से हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के द्वारा इकोनॉमिक जो हुआ था वो चेंज हो गया था। नेक्स्ट, इन विच यूरोपियन कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन, कौन से यूरोपियन कंट्री में, इन विच यूरोपियन कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है कौन से यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है हमारा कौन से यूरोपियन कंट्री में बिगिन हुआ था, कौन से यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था हमारा ब्रिटेन में। किस में? ब्रिटेन में। यूरोपियन कंट्री, इन विच यूरोपियन कंट्री डिड द रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन, इन ब्रिटेन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, रिगार्डिंग वॉट, रिगार्डिंग एज एन इम्पैक्ट 18th और 19th सेंचुरी में वो हमारे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कंसिडर किया जाता है, बताइए कौन से ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो हमारा इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंसिडर किया जाएगा ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी, ये हमारा किया जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स है चलिए देख लेते हैं। इंक्रीज कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडस्ट्रियल नेशन, इंडस्ट्रियल नेशंस के बीच वहाँ पे कंपटीशन बिगिन हो गया था।
राइज ऑफ ग्रोवर इनइक्वालिटीज, राइज ऑफ ग्रोवर इक्वालिटी इनइक्वालिटीज़ हुआ था एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो है ना एक इम्पैक्ट है इंडस्ट्रियल पे। कब हुआ था ये? 18th से 19th सेंचुरी के बीच में। क्या क्या हुआ था? जो हमारा इंडस्ट्रियल नेशंस था उसके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ बढ़ गया था और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी बिगिन हुआ था। फ्रेंड, हमारे सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी स्टडी मटेरियल्स रहते हैं ना दोस्तों, ये सारे हमारे ग्रुप में अवेलेबल हो जाते हैं क्लास के बाद, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडस्ट्री 4.0 कब स्टार्ट हुआ था हमारा? इंडस्ट्री 4.0, व्हेन इंडस्ट्री 4.0 स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था हमारा इंडस्ट्री 4.0? ये स्टार्ट हुआ था 2013 में। कब हुआ था दोस्तों? 2013। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री 4.0 स्टार्टेड इन 2013। नेक्स्ट, व्हेन विल बी द इंडस्ट्री 4.0 रीच द मार्केट, कब हमारा जो इंडस्ट्री 4.0 होगा ना मार्केट पे रीच करेगा? ये तो हमारा स्टार्ट हो गया ना 2013 में, तो ये जो है इट इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, ये हमारे मार्केट में ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, ठीक है। इंडस्ट्री 4.0 जो हमारे मार्केट में ऑलरेडी यूज हो चुका है, ये कब स्टार्ट हुआ था हमारा? 2013 में स्टार्ट हुआ था। इन विच ईयर वॉज द टर्म इंडस्ट्री 4.0 फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कौन से ईयर में ये जो हमारा टर्म है ना दोस्तों इंडस्ट्री 4.0 सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया? सबसे पहले इंट्रोड्यूस का कौन से ईयर में गया? सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि 2013 में इसका बिगन हो गया था, ये यूज़ हो गया था इस मार्केट में, ठीक है। बट इसका फर्स्ट सबसे पहले इंट्रोडक्शन कौन से साल में किया गया था इंडस्ट्री 4.0 का? इसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था ना इस टर्म का, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा 2011 में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इन 2011 द फर्स्ट टर्म 4.0 वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री 4.0? 4.0 का ऑब्जेक्टिव क्या है? 4.0 का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इंडस्ट्री 4.0 का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है इनेबल सेल्फ कंट्रोलिंग, ठीक है, इंक्रीज इफिशियंसी को इंक्रीज करना, कॉम्प्लिसिटी को डिक्रीज करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडस्ट्री 4.0 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इनेबल सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग को इनेबल करना, इफिशियंसी को बढ़ाना, कॉम्प्लिसिटी को घटाना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम के लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।